अच्छा सिंगल दो बार है यहाँ पे, बी भी दो बार है और सी भी दो बार है। हम क्या करेंगे, 2:2a+b+c लिखेंगे उसको। हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए कि बाद में आएगी वैल्यू, पहले इनका पहले आप एलसीएम निकाल लो। 60 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, जब हम a+b+c की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल करके इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लो। काट काट दो इसको, अब 60/7 उल्टा कर दो, फिर काट के इसको उल्टा कर दो, ये आंसर आ गया। 8:4/7। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8:4/7। ये वाला 2 जो है दो दो बार आ रहा है, वो यहाँ पे चला जाएगा 1/2 इक्वल टू के उस साइड, और फिर इसको सॉल्व कर दो। 120 इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 120। इसको किसको समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, इसको नोट कर लो और फिर सॉल्व करना। ए और बी का टुगेदर का काम है 18 days, बी और सी का है 24, ए और सी का है 36। 2 into a+b+c, पहले आप ये सॉल्व करो और फिर ये वाला 2 को आप इधर लेके जाओ। मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ।
मैम 16 है।16 आंसर ठीक है। अब सबका आ गया आंसर 16। किसी को पूछना तो नहीं है? तो मैम ये वाली टाइप समझ में आ गई सबको? यस मैम प्लस बी 4.5 आवर्स, बी प्लस सी 3 आवर्स, ए प्लस सी 2 1/4 आवर्स, ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क एट द सेम टाइम। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, सेम मेथड इसमें यूज होएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप 2:a+b+c निकालेंगे। ये इक्वेशन जो बनेगी इसकी बनेगी, सबको उल्टा कर दो, 2/9 + 1/3 + 4/9, ये सॉल्व कर लो। यहाँ से एलसीएम ये वाला 2 फिर यहाँ पे चला जाएगा। मैम 2। ये ऑप्शंस हैं 3, 2। मैम 2 है आंसर। 2 ठीक है, 2 आंसर है। M2। आंसर मैम ठीक 2। है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? तो आंसर ठीक है। टू आंसर आएगा। ये आपने करने तो सारे ही है वैसे तो, a+b 10 days, b+c 6 days, a+c 12 days, a+b+c, ये ऑप्शंस है।
कर रहे हो सब सॉल्व? वन बाय टेन प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय ट्वेल्व, और जो ये टू है ये साइड में, यहाँ पे वन बाय टू, इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके। मैम 5 5 बाय 7। 5:5/7, वेरी गुड। मैम मेरा भी 5 5 5 raised to power 7 5 5 upon में 7 आ रहा है। हाँ ठीक है, आपका आंसर 5:5/47। यस मैम।5:5/47। हम 5/7। मैम 47 नहीं आ रहा, सिर्फ 7 आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एम थर्ड ऑप्शन आ रहा है इनसे। हाँ ये 5:5, दिस 5 मिस्टेक हो गया। अब a+c 8 days a+c 12 days a+c 8 a+b+c, ये हैं ऑप्शंस। 4 5 6 7। मैम 6 आ रहा है। मैम 6 आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर 6। सिक्स आंसर ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, इसके बाद फिर दूसरी टाइप सिखाऊंगी आपको। अगर अकेला ए का निकालना हो, अकेले बी का निकालना हो, या सी का निकालना हो, तब कैसे करते हैं सॉल्व? मैम सेकंड का 10 आ रहा है मैम, पर वो ऑप्शन में नहीं है। यस मैम। Five, 10, 15, 20, 10 आंसर। मैम ठीक है,
मैं आपको इसके बाद अलग टाइप सिखाऊंगी आप अलोन का अगर निकालना है तो। मान लो एक क्वेश्चन है ए प्लस बी 12 डेज काम किया, बी प्लस सी ने 15 डेज, ए प्लस सी ने 20 डेज, बी का अकेले का निकालना है, ये ऑप्शंस हैं। क्या करोगे, पहले तो ये सेम प्रोसेस यहाँ तक तो सॉल्व करो, उसके बाद जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से अगर बी निकालना है तो ए प्लस सी माइनस कर दो, जैसे कि ये वाला है। अगर आपको ए निकालना है तो बी और सी का माइनस कर दो, यानी कि ये वाला। अगर आपको सी निकालना है तो ए प्लस बी माइनस कर दो, यानी कि ये वाला पार्ट आप माइनस कर दोगे जो भी आंसर आएगा टोटल में से। अभी पहले आप कितने की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ क्या आंसर आया। ये आ गया आपका 5। अब क्या करोगे, बी निकाल ए और सी यानी कि 1/20 ये वाला पार्ट माइनस कर दो, 1/5 माइनस 1/20। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई, 20 एलसीएम आएगा यहाँ पे 20 एलसीएम 100 आ रहा है। तो फिर कुछ मिस्टेक हो गई इसमें मैम, 1/2 मल्टीप्लाई नहीं करना ऊपर। हाँ सॉरी सॉरी, 1/2 तो रह गया, ये 1/2 रह गया ना, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 यानी कि यहाँ पे 1/10 माइनस 1/20, ये फिर 20 आ गया, 2 माइनस 1 20 आंसर आ जाएगा इसका। वेरी गुड, 20 आंसर कर लोगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो मैम, नो मैम। अलोन का एक और दूंगी मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हमजा, आपको ये वाला पार्ट समझ आया? हमजा, निखिल, कोई दिक्कत है? रहने, आपने भी लेट ज्वाइन किया था, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। अभिषेक गिरी भी तो है, अभिषेक गिरी, ये अभिषेक शर्मा, अभिषेक गिरी। ए प्लस बी 10 डेज, बी प्लस सी 12 डेज, ए प्लस सी 15 डेज, सी अलोन, सी का अकेले का निकालना है। एक ये टाइप है जो मैंने आपको करवाई है, मैम 40। सी निकालना है तो ए प्लस बी माइनस कर दो, यानी कि 1/8 माइनस 1/10।
40 आंसर आ गया, ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ए प्लस बी ने 18 डेज काम किया, ए प्लस बी, ए प्लस सी, डेज, बी का अकेले का निकालना है। ये अलग टाइप है, जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये मैं करवाऊंगी, आप ऊपर वाला करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवाऊंगी आपको। वाला आपको खुद करना है, बी का केले का काम निकालना है। मैम 24। 24 आंसर बिल्कुल ठीक है। ट्वेंटी फोर और किस किस का आंसर आ गया? 24 मैम अनन्या, मेरा आंसर भी 24 आ जाएगा। अनन्या का आंसर आ गया 24। मैम इस क्वेश्चन में मैम डाउट हो रहा है, टोटल डाउट है इस क्वेश्चन में, बी अलोन का निकालना है। टोटल में से मैम किसको मैम माइनस करना है, मैम उसमें डाउट हो रहा है। मैम 24 आ रहा है। आपने ये वाला पार्ट का आंसर निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी। यस मैम। कहाँ पे दिक्कत आई आपको? इस पार्ट का आंसर क्या आया? और ये 1/2 कर दिया इसको, यस मैम। एलसीएम क्या आया? 18, 9 और 12 का 36 आएगा मेरे ख्याल। I'm 36 आया। नाइन ऊपर 9 आ गया, और यहाँ पे अगर काटोगे तो उसको 8 आएगा, इस पूरे को काट के मैम 8। टोटल आ जा रहा है मैम, उसके बाद मैम किससे माइनस करना है वो नहीं पता चल रहा। मैम अगर बी बी निकालना है तो ए और सी को माइनस कर दो, ये लो 1/8 माइनस 1/12, ये लो आ गया 1/24 को। 24 इज इट क्लियर? ओके मैम समझ आ गया। अरे किस किसकी आवाज है ये? मयंक अच्छा आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वाला पार्ट मैं करवाऊंगी आपको। देखो ए और सी निकालना है। पहले एक ये हमको दिया हुआ है, एक बार पहले इन दोनों को प्लस करो। इनको प्लस करने से जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, बी 2 बार है ना, आप इनको एक बार प्लस कर दो, तीन स्टेप में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ये आ गया 5/24। क्या आ गया? 5/24।
हमजा आपको आया समझ? आपके आंसर आ रहे हैं? दिल्ली भी कर दिया इसने तो। अब ये देखो बी दो बार है, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो इसमें से इसको तो अकेला बी बच जाएगा। ध्यान दे रहे हो? इसमें से ये माइनस कर दो तो अकेले बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो बार है ना बी। समझ आ रहा है? यस मैम। ये देखो ये आ गई आपकी अकेली बी की वैल्यू, और उसके बाद जब आप टोटल में से फिर से ये बी माइनस कर दोगे तो आपके पास ए और सी आ जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आएगा 1/6 माइनस 1/24। यहाँ पे 3/24 यानी कि 8 आंसर जो आपका फाइनल आंसर आएगा। अब बताओ किस चीज को समझ नहीं आया? तीन स्टेप में आएगा ये आंसर। अगर कोई ऐसा भी पार्ट आता है आपका, पहले इन दोनों को प्लस करो, ये आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई 5/24, इसको 1/6 में से माइनस करो 1/24, फिर एक बार और सॉल्व करो इसको, उसको नोट कर लो एक बार। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट आगे करवा रही हूं मैं। ए प्लस दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? टुगेदर का निकाल ये सॉल्व करना है, तो आंसर बताना है। ये ऑप्शंस हैं, बी का अकेले का निकालना है। मैम ये आपने क्या लिखा है, a=4h? और मतलब कुछ भी हो सकता है, डेज हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ये वैल्यू वैल्यू चेक करो आप। 4, 3, 2 ओके मैम। आवर्स के लिए मैंने लगाया है, यहाँ पे डेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकते हैं। ओके मैम। आप ये मैं अगर नहीं होगा तो आपसे मैं कराऊंगी। ऊपर वाले का आंसर बताओ पहले, 5 5 या 10? 10 10 10 10 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, सॉरी 5 2 10 जो ये वाला 2 है, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है।
ये वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले इन तीनों को प्लस करो, 1/4 प्लस 1/3 से आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, 3 + 4 ये आ गया 7/12। अब क्या अकेला बी चाहिए आपको, तो क्या करोगे, इस पूरे में से ये 1/2 ये वाला पार्ट माइनस कर दो, सेवन बाय ट्वेल्व माइनस 1/2, 7 - 6 1/12, 12 आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर, ये आंसर है 12 आंसर है। यस मैम, क्लियर। A+B 30 डेज काम किया, B+C 20 डेज काम किया, A+C 15 डेज, टुगेदर का बताना है, ये बताना है, ये ऑप्शंस है। दोबारा से ज्वाइन कर लेना, एक मीटिंग और बची हुई है आपकी। ठीक है, मैम 13 1/3 कौन सा ऑप्शन, 13 वाला। वेरी गुड, ईशान्या की आवाज है। और किसने किसने सॉल्व किया है, और किस किस का आंसर आया है, कर मैम, अभिषेक गिरी रहे हो अभी सॉल्व, अभिषेक सर मैम हो गया ले लो, क्या मैम, यही आंसर आ रहा है बोल रहे हो, सॉल्व हो गया सॉल्व हो मैम, गया। 40/3 आ रहे हैं। हाँ 40/3 यही तो है, 13 is to 1/3, 13 यस मैम, यस मैम, ओके मैम, यस मिक्स्ड मैम। फ्रैक्शन में, सारे आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, यस मैम, वो मैंने उधर वो नोटिस नहीं करा था, वो गलती से। बात नहीं, ध्यान रखना, अभी तो आप सीख रहे हो, इस प्रैक्टिस में कितनी भी गलती करो, सुना है ना आपने, यस मैम, जितनी मिस्टेक्स करनी है प्रैक्टिस में कर लो, पर जब परफॉर्मेंस हो तब आपको अच्छा देना है परफॉर्मेंस, कोई गलती का तो प्रैक्टिस में कितनी भी गलती करो सब माफ होती है, प्रैक्टिस में की हुई गलती, पर जब टेस्ट हो तब माफ नहीं होती, पता है ना।
सबको। और बताओ किस किस का आंसर आ गया? अभिषेक गिरी, अभिषेक शर्मा, अनन्या, ईशान्या का तो आ गया, कार्तिक, मयंक, मयंक चौहान, मोहित अग्रवाल, निखिल, रहने, तुषार। ए प्लस बी 12 days, बी प्लस सी 8 days, ए प्लस सी 6 days, बी का वर्क निकालना है, अकेले का वर्क, ये ऑप्शन है। टोटल का निकालना है। लेस देन 1 मिनट, दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16,